एवरीवन, होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम टू माय चैनल इंडियन लाइफ इन सऊदी अरेबिया। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि यहाँ पर यानी कि सऊदी अरब में सीबीएसई स्कूल्स, इंडियन स्कूल्स के बारे में जानकारी दीजिए, इस पर वीडियो बनाएं। तो आज का वीडियो बस इसी के ऊपर ही है। तो आपको बताऊंगी मैं यहाँ पर रियाद में, यानी कि रियाद में अगर बोलने से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि पूरे सऊदी अरब में भी यही जो है फॉलो होता है। तो मेनली इंडियंस जो कि सऊदी अरब में रहते हैं, अपने बच्चों के स्कूल एडमिशन्स यहाँ पर करवाना चाहते हैं, एक इंटरनेशनल सीबीएसई स्कूल्स की तलाश में होते हैं। तो उसके ऊपर मैं सारी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये एक नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। इसका कंट्रोल भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। इंडिया में इसके 20,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स हैं और ओवरसीज यानी कि इंटरनेशनली इसके 220 स्कूल्स हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, रियाद में रहते हैं और अपने बच्चे के लिए इंडियन स्कूल्स की तलाश में हैं, तो इस वीडियो में आपको ऐसे 10 स्कूल्स मिलेंगे जो कि इंडियन सीबीएसई सिलेबस प्रोवाइड करते हैं। इनमें से किसी भी एक स्कूल को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल इंडियन स्कूल। 39 ईयर्स ओल्ड स्कूल सक्सेसफुली अभी भी रन कर रहा है। सीबीएसई दिल्ली से अफिलिएटेड है। रियाद में इसके दो लोकेशन मिल जाते हैं, एक तो राउदा में हो गया, ये बॉयज़ सेक्शन है, और जो गर्ल्स सेक्शन है वो मलज़ में है। किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन यहाँ पर मिल जाती है। कंप्यूटर लैब्स, डिजिटल स्मार्ट लर्निंग क्लासरूम्स, लेबॉरटरीज, फाइन आर्ट्स रूम्स, ऑडिटोरियम, सेंट्रल लाइब्रेरी से ये फैसिलिटेटेड है। कई सारे लोग यहाँ पर स्कूल फीस के बारे में जानना चाहेंगे, तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर अलग अलग स्कूल के फीस भी अलग अलग ही हैं। तो आपको जो है अगर करेक्ट एग्जैक्ट फीस के बारे में जानकारी लेना हो तो यहाँ पर वेबसाइट में मेंशन कर दूंगी, वहाँ पर जाकर आप स्कूल के फीस का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। इवन वहाँ पर कॉन्टैक्ट भी होता है, तो कॉन्टैक्ट करके भी आप जो है स्कूल के फीस के बारे में या फिर किसी और जानकारी के बारे में भी पता कर सकते हैं। क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर फीस बोलना पॉसिबल नहीं है। फीस स्ट्रक्चर जो है क्लास वाइज चेंज होता रहता है, ग्रेड वाइज बढ़ता रहता है, स्कूल टू स्कूल डिफर करता है। वैसे फर्स्ट टाइम एडमिशन लेने पर एडमिशन फीस के साथ डेवलपमेंट फीस पे करनी होती है, और ट्यूशन फीस जो है क्वार्टरली या मंथली पे कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर है इंटरनेशनल इंडियन पब्लिक स्कूल। वन ऑफ द पॉपुलर स्कूल है सऊदी अरब में। बेटर एकेडमिक सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कराता ही है, साथ में यहाँ पर वेल राउंडेड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनके टैलेंट को एक्सपैंड करने में और अपने पर्सनैलिटी डेवलप करने में। जिमनास्टिक्स, स्विमिंग्स, म्यूजिक, लिटरेरी एक्टिविटीज़ और एजुकेशनल ट्रिप्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। थर्ड नंबर पर है अल यास्मीन इंटरनेशनल स्कूल, एक और सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल जहां पर बेटर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं और इंडियंस हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, यहां के वेबसाइट में विजिट करके यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर चेक करना हो तो वो कर सकते हैं। यहां पर मैं वेबसाइट भी मेंशन कर रही हूं, साथ में सारे ही स्कूल्स के वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होगा। तो अगर आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिडिल ईस्ट इंटरनेशनल स्कूल। 1998 में ये स्कूल इस्टेब्लिश किया गया था। वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स है जो कि केजी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। अमेरिकन करिकुलम यहाँ पर फॉलो किया जाता है। मल्टीकल्चरल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसे वन ऑफ द एक्सपेंसिव स्कूल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो फीस है वो जो है बाकी स्कूल्स के मुकाबले ज़्यादा है। फिफ्थ नंबर पर देख लेते हैं यारा इंटरनेशनल स्कूल। सऊदी अरब के रियाद में लोकेटेड ये स्कूल 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था। को एजुकेशन है यहाँ, इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पर। बुक्स एजुकेशन के साथ ही यहाँ पर स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देते हैं। किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की पढ़ाई यहाँ पर हो जाती है। स्पेशियस क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, साइंस लैब्स, आईटी लैब्स, ऑडिटोरियम, ये सारा कुछ स्कूल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट नंबर पर है अल आलिया इंटरनेशनल इंडियन स्कूल। मलज़ रियाद में लोकेटेड ये स्कूल हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। 2003 में इस्टेब्लिश्ड, सीबीएसई सिलेबस को फॉलो करते हैं, इंग्लिश मीडियम है और यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज में हिंदी भी ऑप्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के साथ ही यहाँ पर एडवांस्ड एजुकेशनल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पर है अल हुडा इंटरनेशनल स्कूल। बाकी स्कूल्स की तरह ये भी सीबीएसई सिलेबस को ऑफर करने वाला स्कूल 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंडोर गेम्स के साथ ही आउटडोर गेम्स भी कंडक्ट करते हैं। मलज़ जरीर स्ट्रीट में ये लोकेटेड है।
प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश है और ये एक कोएड स्कूल है। अगला स्कूल है दरत असलाम इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल। यहाँ पर ब्रॉड रेंज ऑफ एकेडमिक सिलेबस पढ़ाया जाता है और स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस दिया जाता है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर, मैथमेटिक्स, आर्ट और साइंस पर। इंग्लिश यहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज है और ये एक को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के जरिए स्टूडेंट्स में आर्टिस्टिक्स, क्रिएटिव, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और फिजिकल पोटेंशियल को डेवलप किया जाता है। नाइन्थ नंबर पर है तकवा इंटरनेशनल स्कूल, अनदर CBSE एफिलेटेड स्कूल जो कि ऑफर करते हैं एकेडमिक्स एजुकेशन, साथ ही इंडोर आउटडोर गेम्स, म्यूजिक रूम्स और रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि 2007 में पहली बार स्टैब्लिश हुआ था और ये को एजुकेशनल कैटेगरी के अंडर आते हैं। दसवें नंबर पर है आलिफ इंटरनेशनल स्कूल। 2009 में स्टैब्लिश्ड ये स्कूल इंडोर गेम्स, डांस रूम्स, म्यूजिक रूम्स, स्कूल कैंटीन, मेडिकल चेकअप्स, साइंस लैब्स के साथ ही स्मार्ट क्लासरूम्स अवेल कराते हैं। ये भी एक इंडियन स्कूल है जो CBSE के स्टडी पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ इंग्लिश के साथ ही उर्दू, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये थे 10 स्कूल्स के लिस्ट जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स जो कि सऊदी अरब में रहते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है। इसके अलावा भी कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर एडमिशन्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 स्कूल्स को जो है शॉर्ट लिस्ट करके आपको बताया है। कोई भी स्कूल यहाँ पर पहले नंबर पर या दसवें नंबर पर नहीं आते हैं, सारे ही इक्वल हैं। आपको यहाँ पर वेबसाइट में मेंशन कर रही हूँ जहाँ पर जाकर सारा डिटेल चेक कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली जहाँ पर एडमिशन लेना हो ले सकते हैं। सारे ही स्कूल अच्छे हैं, बेहतरीन एजुकेशनल सिस्टम को फॉलो करते हैं। यहाँ पर सऊदी अरब में KG से लेकर क्लास 12 तक का जो पढ़ाई होता है वो एक ही स्कूल में एक ही जगह पर मिल जाता है। अनलाइक इंडिया जहाँ पर 10th तक स्कूल होता है, 11th और 12th के लिए हमें अलग जगह पर एडमिशन्स लेने होते हैं। लेकिन सऊदी अरब में ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार किसी अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं तो बिल्कुल क्लास 12th तक कोई टेंशन नहीं है, 12th के बाद ही वो स्कूल से बाहर आएंगे। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात भी मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th के बाद यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है। इसीलिए मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ से क्लास 12th की पढ़ाई के बाद या तो इंडिया जाते हैं या फिर किसी और कंट्री जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। तो ये था सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और स्कूल से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।